अंदर के बच्चे मेरा सांस खींच लिया है, बाहर क्या पुलिस आ गई है? नहीं। क्या बुजान आया है? नहीं। फिर क्या आया है? एक सेठ यतीम खाने को देख और कपड़े देने आ रहा है। सेठ साहब, ओ बच्चो, जाओ जाके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, जाओ जाओ, तुम भी जाओ। ओ अच्छा टू बटे, तुम बूट पॉलिश करो। ओ गलर, और तुम साथ आके कुर्सी बुन आ जा, चल चल। यतीम खाना है जी? आप कौन हैं? मैं जी माँ की गोद का बानी। ये काम आप करते हैं? हाँ शेर साहब, मैं काम इसलिए करता हूँ कि इन यतीम बच्चों को माँ की गोद की गर्मी और बाप के हाथ की नरमी मिल सके। तो बच्चे? बच्चे जी अंदर कपड़े बदल रहे हैं। शेर साहब, मैं इन बच्चों को दिन में 3 बार कपड़े बदलवाता हूँ और 3 बार खाना खिलाता हूँ। मुझसे बच्चों का गम नहीं देखा जाता। बच्चों आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ। शाबाश। शेर साहब, मैंने इन बच्चों को ऐसे रखा हुआ है जैसे सखी मां रखती है। जजाकल्ला। मगर आप ये देग और थान किस वास्ते लेके आए हैं? बच्चों के लिए। शेर साहब, मैं दानी अमीरों का दान और सखी लुटेरों की सखावत कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए यतीम खानों को खैरात अपने जमीर का बोझ हल्का करने के लिए, और अमीर इस खौफ से देते हैं कि खुदा ने जो कुछ उनको दिया है कहीं वो छीन ना ले। आप ठीक कहते हैं आप, लेकिन ये चीजें तो आप रख लें। खुदा हाफिज। ओ चट्टू बटे जी, चोरी साहब। ओए, ये देख होटल पर और ये थान स्टोर पे दे आओ। तो एक रजाई का कपड़ा मैं ले लूं? तो पैसे? हाँ पैसे, 5% अपना कमीशन काट के, बाकी इनके घर दे आना। ओए, ये दस्तूर है इस जगह का, अगर किसी को बताने की जरूरत की तो जान से मार दूंगा। जाओ जाके कपड़े बदलो और काम करो, जाओ। देखते क्या हो, दफा जाओ यहां से। सूरज चांद, लगता है इस चौधरी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर खेलैनी। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर खेलैनी। Thank you.
कमरे में आने की जरूरत किसको हुई है? मैं तुम्हारी अभी खाल उतारता हूं, मुझे ऐनक लगा लेने दो अपनी। ओ, ओ, मेरी ऐनक कौन ले गया है? अरे शैतानो, ओ मेरी ऐनक कौन ले गया है? ओ, कौन मेरे घर में बगिया चला रहा है? कौन मुझे कत्ल करना चाहता है? मैंने बचाओ, ओए मुझे बचा लो, ओए मैं मर गया, ओए कोई मुझे बचा ले, ओए बचा लो मुझे, बचा लो, मैं मर गया, ओए मुझे बचा लो, ओए अल्लाह गई मुझे बचा लो, ओए मैं मर गया, ओए मर गया, ओए मैं मर गया, मुझे बचा लो। और तेरे पीछे कातिल लग गए हैं, कौन है तू? माँ की गोद। माँ की गोद? ये नाम है जी उस यतीम खाने का जिसका मैं मालिक हूँ। तुम्हें मैं अंदर कर दूँ? मैं पहले कहाँ बाहर हूँ जी। ये देखे थानेदार साहब, ये तस्वीर है उन दो गुंडों की जिनमें एक का नाम जान और दूसरे का सूरज। यतीम खाने का घड़ियाल, मेरा बटुआ जिसमें नगद 500 रुपया, मेरी घड़ी, मेरे मुर्दा बाप की निशानी चोरी करके ले गए हैं जी। अच्छा, उन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला भी किया है जी। ये तो कोई नेकी थी या यतीमों के साथ मेरी मोहब्बत और शफकत जिसने मुझे बचा लिया है, वरना वो मेरे वाला काम करके चले गए थे। बागी गोद तू जा। अच्छा जी, मैं इन चोरों को शहर का पानी नहीं पीने दूंगा। ए, तुमने यहाँ से नान छोले खाए हैं? नहीं तो, हमारे पास पैसे ही नहीं। अरे पैसे ही नहीं है तो पानी क्यों पीते हो? सोचा भूख तो नहीं मिट सकती, प्यास ही बुझ जाए। यहाँ से जो सौदा खाएगा वही पानी पी सकता है। इधर लाओ ग्लास, तू भी पकड़ा है। भाई जी तुम शिमर हो? ये मुझे शिमर कहते हैं? ये लोग हमको मारते क्यों हैं? हम गरीब जो हुए, लोग रेत किस तरह बनते हैं पता नहीं। अरे अरे मेरी गठरी, अरे तुम्हारा बेड़ा खैर खो जाए, मेरी गठरी ले गए, कोई है जो पकड़े इन बदमाशों को? मेरी गठरी ले गए। जी आपकी गठरी। झुक झुक जियो बेटा, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप सलामत रहें। जी ऐसे क्यों कहा है? हमारे माँ बाप नहीं और हम यतीम हैं। ना बच्चों ना, मुझे मिलने से पहले तुम यतीम थे, मुझसे मिलने के बाद तुम यतीम नहीं रहे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ शबो
ए शब्बू, देख देख कौन आए हैं। माँ ये कौन है? ये चांद और ये सूरज। ये हमारे घर किस था? हम यतीम थे, तेरी माँ हमारी माँ बन गई है। तुम मेरे भाई बनोगे? जब भी तेरे सर पे धूप आएगी तो तेरे सर पे अपने हाथों की छांव कर देंगे। ले बेटी शब्बू, तू अपने भाइयों को खाना खिला, मैं तेरे कपड़े संभाल लूं, ठीक है? यहाँ बैठो। लो भाइयों तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेके आती हूँ। नहीं शब्बू, अब हम कमाएंगे, माँ पकाएगी, फिर हमारी छोटी बहन हमें रोटी खिलाएगी। आ चांद। भैया कहाँ जा रहे हो? कमाने के लिए। यार रोटी तो खा लेने दे। नहीं यार, माँ का घर है, बाप का तो नहीं। चल घड़ियाल कहाँ है? जी नोटों का बटुआ कहाँ है? हम दोनों यतीम हैं, चोर नहीं। अबे चोर ही यतीम बनते हैं, सिर्फ वो नहीं बनते जिनके सर पर माँ बाप सलामत हो। हवालदार। यस सर। इन दोनों का पर्चा काट कर भेज दो इनको जेल। ओके सर। जेल उन्हें बाहर भेजती, माशरा उन्हें अंदर फेंक देता। इसी तरह अंदर बाहर होते होते चांद और सूरज जेल में जवान हो गए। इक्कीस, बिस्मिल्लाह, 25, बिस्मिल्लाह, 28, 29, 302। सलाम अलैकुम। बड़ा मुद तेरा। यार ये जेल के बाहर लोगों के कितने बुरे हालात है, बड़े बद इखलाक लोग हैं। चल मेरा ख्याल है वापस चले। अरे चांद कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अजीब आदमी हो। अरे जरा आजाद मुल्क में आजादी की सांस तो लेने दो। तू ये आजाद नहीं हुआ, तू बर्बाद हो गया है। इस तरह ना कर, यहाँ रश लग जाएगा। अच्छा बेवकूफ। वैसे एक बात है, अगर हमें नौकरी ना मिली तो तू मेरे बड़े काम आएगा, हम भूखे नहीं मरेंगे। बेवकूफ। अबे इस मुल्क में सिर्फ सांस लेने की आजादी है और किसी चीज की आजादी नहीं। तो मैं जरा आजादी से मिलके अभी आया। चांद, चांद, तू मेरे पीछे पड़ गए यार। चांद तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेरी मर्जी मैं जाऊँ, जहाँ तुम्हारी मर्जी तुम जाओ। चांद तुम यार मुझे छोड़कर जा रहे हो? यार मैंने मीनारे पाकिस्तान जाना है। यार मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। जा शाबाश। चांद तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम्हारी गिफ्तें करनी है। और यार मैंने वहाँ जाकर कौम से खिताब करना है। लो 5:30 का टाइम मैंने दिया कौम से खिताब करने का। ओए पागल तुम सूरज हो, 5:30 बजे तुम्हारा डूबने का टाइम है। कंगाल मत होना, पब्लिक को परेशानी होगी। चल दबाओ। चांद। सूरज साहब जी। जी। ओ मेरी जान, बात ये है कि तेरे मेरे सितारे आपस में नहीं मिले। अगर सितारे ना मिले दफाओ। सितारों की बड़ी बात, सितारे तो आपस में मियां बीवी के ना मिले तो उन्हें तलाक हो जाती है। तेरा मेरा तो फिर भी कोई खून का रिश्ता नहीं। हाँ चांद, तू कौन मैं कौन? आइए। ना तेरा कोई ना मेरा कोई, मगर एक बात है चांद, यतीम खाने से लेके जेल खाने तक हमने जिंदगी का एक हिस्सा साथ गुजारा है और अब एक हो गए। मैं चाहता हूँ इस एक को अब दो कर दूं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब किसी मुल्क के दो टुकड़े हो सकते हैं तो तेरे मेरे प्यार के क्यों नहीं हो सकते? ठीक है चांद, अगर यही बात है तो तेरे मेरे रास्ते जुदा हैं। तेरा ये रास्ता है और मेरा ये। ओके, मैं इधर को जाता हूं, तुम उधर जाओ। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ। ओके। Thank you.
तू बस में बैठ के लड़के फंसाता है? नहीं यार, मेरे पेट में तो रोटी नहीं है, मैंने लड़की क्या फंसानी है? क्यों देख रही तेरी तरफ? हो सकता है मेरे माथे पे कोई ऐसी जबान लिखी हो जो सिर्फ यही समझती हो। ए, तेरे माथे पे तो हराम लिखा हुआ है, पकड़ो इसको, मारो मारो मारो। बेटा तू मुझे अकेला काले पुल पे मिलना, आए आए आए, अगर सूरज के साथ ये हो रहा है आए तो चांद के साथ क्या हो रहा होगा? क्या चाहिए? तेरे स्टोर में जो जो दो नंबर की दवा है उसका एक एक सैंपल लाके मुझे दो, ताकि मैं तुम्हारा चालान कर सकूं। लेकिन आप कौन है? खामोश, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां से टीम चल पड़ी है। ड्रग इंस्पेक्टर? I am drug inspector of the investigation special branch of the medicines for you. मैं drug inspector. Drug inspector? हाँ. लगते तो नहीं? मेरा हुलिया देख के तुम समझ रहे हो कि इस तरह के नहीं होते, ये मेरी ईमानदारी का सबूत है। उससे पहले जो इंस्पेक्टर था वो करप्ट था, इसलिए उसका ट्रांसफर हो गया। जाओ सैंपल लेके आओ। लोगों को जाली दवा पिला पिला के पीला कर दिया और खुद सर सफेद हो गए, हया नहीं आती। जाओ सैंपल लेके आओ। ये लो जी सैंपल। ये क्या सैंपल? रिश्वत। अल राशिव अल मुर्तशी फिल नारे जहन्नुम, मार भरा रहा मुझे लोगों। भाई साहब, भाई साहब, मुझे रिश्वत दे रहा है। रिश्वत दे रहा है, बात तो सुने सर, मुझे रिश्वत दे रहा है। और कितनी कम दे रहा है? 500 रुपए। 500 रुपए में जमीन बेच दूं पागल के बच्चे? इधर आओ। 2000 से कम नहीं लूंगा, ये मुझे पकड़ाओ और आप अंदर जाओ और बाकी के 1500 रुपए लेके सामने वाले होटल में आ जाओ। जो नहीं आया तो वो सारी लाशें इकट्ठी करके जो तुमने मारी हैं यहां जमा कर दूंगा, समझे? अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। आप? आपकी ट्रांसफर नहीं हुई? ये किसने कहा? ओ भाई, वो जो आपकी जगह पर आया है। मेरी जगह कौन आया है? आओ जी बैठो। जरा बाहर तो आइए। मेरा ख्याल है बाहर मुनासिब नहीं, यहीं बैठ जाते। इस जगह हुजूर की इज्जत का सवाल है। अच्छा जी, जी। तो फिर किसी नुक्कड़ में चलते हैं। बिल्कुल सर। तुम्हें तो नुक्कड़ों का पता होगा, बड़े बेईमान हो। आओ आइए तशरीफ लाए। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। ये मालूम था। तो यार पैसे ही लेने हैं ना, यहाँ ले लूंगा, मुझे क्या है? आपने ऐसी तकलीफ की। इनसे मिलिए, इनका भी जाली दवाइयों का काम है, इनका भी स्टोर है। ये कौन है? ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अच्छा तो तुम हो ड्रग इंस्पेक्टर? मेरी वसूलियां भी तू करता फिर रहा है। भाई मैंने वसूल करके तुम्हें ही देने थे। मेरी बात तो सुनो भाईजान, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, आपको पैसे चाहिए ना? आप मेरा हाथ छोड़ो यार। हाथ छोड़ेगा तो निकालूंगा ना। ये लो। क्या सोच रहा? मैं कंगला हूं, मैं थप्पड़ मारूंगा। मार, मैं खा लूंगा। कितने पैसे तुम्हारे? 500 रुपए। ये पकड़ो 300। और बाकी के 200 कहां है? उसका मैंने खाना खा लिया है, मुझे माफ कर दो, आपकी मेहरबानी होगी। एक मिनट, मेरी मेरी बात देखो। वाह 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 वाह, देखो ये देखो, दो पागल खड़े हुए हैं। तालिब, कब सर अपने पेट का सोचते हैं, कोई आवाज नहीं देता। सूरज आओ, एक रोटी खा लो। मोहताज के बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर दे बाबा, दोपहर का टाइम हो गया है बाबा। जो मोहताज को खाना खिलवाएगा बाबा
वो मन की मुरादे पाएगा बाबा। अल्लाह के नाम पे बाबा दे जा, महताज को दे जा बाबा। बाबा तुम देख सकते हो? हाँ, अंधा तो मैं देने वालों के लिए बना हूँ, लेने वालों के लिए नहीं। इधर कर चल। तेरा सत्यानाश, तेरा खाना खराब, तुझे तू मेरी बीवी को लेकर गिर पड़ा। अरे और क्या, तुझे लेकर गिरता। आ, ओ, अब, आ, 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 अरे, आ, अरे जो मारे उसका भी भला, जो ना मारे उसका भी भला। अरे मैं अंधा आदमी हूँ, मेरे नसीब में तो ठोकरे ही ठोकरे। आपा जी, आपा जी मुझे माफ कर दे, आपको मेरी वजह से चोट लगी है, दुख पहुंचा है। मैं अंधा आदमी हूँ आपा जी, मुझे माफ कर दे आपा जी, मैं अंधा हूँ। अंधा है बेचारा। और रुक जा भाई। जी ये क्या है बेटा जी? 50 रुपए हैं, जाके रोटी खा लेना। अल्लाह आपका किचन आबाद रखे। आपा जी आप बहुत अच्छी है। इतना खूबसूरत बुत बना के अगर अल्लाह दो आंखें भी दे देता तो क्या था? बेगम किसको क्या देना है, कितना देना है, ये तो वही जानता है। मजीद। हाँ जी। हो सकता है ये मेरा आखिरी सफर हो, कभी कुछ कहा सुना हो तो माफ कर देना। सेठ साहब जाते हुए रुला के ना जाएं, इंशाल्लाह आप ठीक होकर वापस आएंगे। दुनिया इसी उम्मीद पर कायम है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। पूरा पावर थर्डिंग आराम ले बेचान, अपनी गुर्बत का सितारा खराब करने के लिए और गुर्बत को खत्म करने के लिए किसी अमीर की अमीर सी गाड़ी के साथ टकरा, शोर मचा और चंद पैसे कमा। हाय लाना मर गया, हाय ला गरीब का बच्चा मार दिया। पुलिस वालों चल पुलिस ले क्या, केस दर्ज करो, इनको अंदर करो। हाय लुफंदर, अरे केस दर्ज ना करा, अस्पताल की बात कर, मेवा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मेरा शेर है। ओए मुझे सरकारी डॉक्टरों के पास ना लेके जा, मैं फैमिली का बंदा हूँ, मुझे अपनी फैमिली में लेके जा, अपने घर वालों से कह मेरा इलाज करें। मुझे जख्मी किया है ना, मेरी गाड़ी तोड़ूंगा। अरे मेरी बात सुन, कब्ल इकट्ठी होने से पहले इसे अस्पताल ले चलो। आराम से उठाए, आराम से, और ले आओ। मैंने तुम्हें उठाया है ना, कभी मैं अपने छोटे साले को उठाया करता था। चल अंदर बैठ। क्या तेरा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ जी। क्या बकवास कर रहा है, होश कर। पार्टी को बुला। कौन सी पार्टी? नैश के बच्चे सेठ को बुलाओ। अरे सेठ साहब तो अमेरिका गए हैं, हीरोइन का फेरा लगाने गए हैं। नहीं बे, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा, वहाँ खराब होने गए हैं? अरे खराब होने नहीं, अपना खून तब्दील कराने गए हैं। उनका खून गंदा है? अरे नहीं रे, उनका खून गंदा नहीं है, उनको बीमारी है। वो हर साल जाते हैं और अपना खून तब्दील करवा कर 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं। हाँ, 6 महीने के बाद वापस आता है? हाँ। यार मेरा एक काम कर दो, मुझे इस कोठी में 6 महीने रहने की इजाजत दे दो। नहीं नहीं, मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं कारीगर हूँ, चैंपियन हूँ, मेरे पास एक काम है, तुम्हें 5 लाख रुपया मिलेगा। वो किस तरह? वतन के राज कुछ गैर मुल्कियों को बेचने हैं और कुछ महकमों पे नजर रखनी है। ठीक है, 5 लाख तो मिलेगा ना।
मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मुल्क से गद्दारी कर सकता है। गद्दार तू गद्दार है। अरे चौधरी साहब मुझे माफ कर दे, मैं तो ऐसे हंसी कर रहा था। खबरदार, मैं चौधरी नहीं, मैं मलिक हूँ, और तुम्हारी इत्तला के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं CIA एजेंट हूँ। अरे CIA इंस्पेक्टर साहब माफ कर दे, खुदा का वास्ता मुझे माफ। खबरदार, पतलून को हाथ मत लगाओ, इसके अंदर लास्टिक, उधर मरो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं जानबूझ के तुम्हारी गाड़ी से टकराया था, इसलिए कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं गद्दारों को तलाश करूं। एक दफा से माफ कर दे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बस बस इधर ही रुक जा, बस रुक जा, बस बस। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। ये तो मुझे पता चल गया है कि तेरे अंदर एक गद्दार है। मैं अपने महकमे को बताकर तुझे अंदर करवा दूंगा। बोल बोल, या तो फिर मुझे सेठ बनकर 6 महीने यहां रहने की इजाजत दे, क्योंकि मैंने इस इलाके के कुछ लोगों पर नजर रखनी है। मर्दों पे या औरतों पे? ये मेरा काम है, मैं चाहे खुसरों पे नजर रखूं। तुम कौन होते ये बात करने वाले? बात सुनो, ये इकरार कर कि मैं तुम्हें बाहिस्ते सेठ के कबूल हूं। बोल कबूल। कबूल 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 कबूल। ठीक है, 600 रुपया तुम्हारा हक महर है। तलाक हुई तो बच्चे मैं रख लूंगा। हक महर थोड़ा। ओके, अब तू मेरा राजदार है, हम राज है। ये राज किसी से मत कहना। आज से तू मेरा सेक्रेटरी है और मैं हूं झूठा रईस। एक रईस बाहर से आया है, लोकल पार्टनर चाहता है। ये सिर्फ मैंने हाँ को बताया है। वो वाकई अरबपति है? तू बोल, ये मेरा सेक्रेटरी है। वो जी खरे पति है, बल्कि चाय की जितनी पति हैं सारी उनकी हैं। उन्हें घर आके मिले, बल्कि खाने की दावत दें, उनका माल को और खाए, आप क्यों उन्हें खाए जाए। इतला देने की कमीशन। थैंक यू। गैर मुल्की माल मुल्क में आ रहा है। कोई जो खाए, आप क्यों ना खाएं? बिल्कुल ठीक। ये लो सेठ कागज वाला का राज उखलने की कीमत। थैंक यू सर। अच्छा। हाँ सर, मेरी बात मानी, वो बड़ा मालदार है। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, ले चले वहां पे। सेठ साहब, मैंने अपने मालिक के सारे कारोबार की मुखबरी की है। इसकी सजा है गोली, और मैं तुझे 100 का नोट दे रहा हूँ, ताकि तू आइंदा भी मेरा कान बनकर अपने सेठ की दीवार से लगा रहे। थोड़े हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं। अरे तेरे जैसे बंदे 100 लेकर घर को आग लगा देते हैं, अदालत में झूठी गवाही दे देते हैं, बच्चा अगवा करा देते हैं। ये मेरा साथी तजर्बा है। पगड़। आइए, बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए। बस वो आने ही वाले। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बिस्मिल्लाह। आप भी आए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद सेठ से मिलना है। तशरीफ रखें। चांद सेठ अभी तशरीफ ले आते हैं। लोग किससे मिलने आए हो? चांद सेठ से। चांद सेठ को? चांद सेठ को तो मैं मिलने आया हूं। हाजी, मैंने तो एक से कहा था, मुलाजम घर में देख पक जाए तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। शहर में एक रईस आए तो जिक्र एक तक नहीं रहता, सारे सरमायदार हलके में फैल जाता है। अरे यार, क्या बात करते हो। जब मैंने कह दिया कि 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता, मुझसे इन्वेस्टमेंट करानी है तो 5-6 अरब की बात करो। एक दफा कह दिया, नहीं 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 नहीं।
सर। यस सर। ये डाकू तूने बुलाए हैं? ये सरमायादार डाकू हैं, शहर के माने हुए रईस आजम हैं। रईस, फिक्र ना कर, हम इन्हें गरीब कर देंगे। क्या बात है, मुझे चार चार क्यों नजर आ रहे हैं, कहीं मैं टुन तो नहीं? सर मैंने तो एक को बुलाया था, पर आज चार गए हैं। ओ हाँ जी, हेलो कनाडा, क्या हुआ, हमारा जहाज डूब गया? डूबने दो, लेकिन लोगों की पेमेंट फौरन करो, ये हमारा उसूल है, हमारा चाहे नुकसान हो जाए 5 करोड़ की पेमेंट फौरन करो, समझ गए? ओके। मेरी बात को समझते नहीं है ये लोग, तुम समझ गए ना? हेलो बांग्लादेश यार, इस तरह करो, 2 मीठे पान भेज दो। हाँ थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू मीट यू। हेलो, नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। ये दूर पड़ता है, आप इनसे मिला लें, आप मेरी तरफ से इनसे मिला लें। जी सर, मैं आपको दोपहर के खाने की दावत देने आया हूँ। ओह वेरी गुड, कमाल है, मैं भी दावत देने आया हूँ। मैं सर, मैं भी। पहले आओ पहले पाओ। मैं तो कहता हूँ जी, फसल उगाओ और मुल्क खुशहाल बनाओ। आप आए ना मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सेक्रेटरी, वो देखो अपना जर्मनी से भाई बशीर का फोन आएगा, उनसे कहना मैं जर्मनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैंने सोचा है अपने मुल्क में पैसा लगाऊंगा ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। सिर्फ आओ, आगे चलो, रास्ता बनाओ। बाय बाय। हाय, कमाल है। पहले आओ पहले पाओ। तुम जाओ। आओ सर। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस, गुड हाउस। किराए का मकान? मेरा जाती है, आप तशरीफ रखिए। वेरी नाइस हाउस रियली। सेठ साहब, ये आपकी बेटी है? नहीं नहीं, ये मेरी बेगम है। किराए की है? नहीं नहीं, जाती है, हमारी माँ बहन है। प्लीज बैठो बेगम। बेगम ये चांद सेठ है, हमसे भी बड़ा रईस। आओ आओ। हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने आए हैं। आओ। सेठ साहब, ये जो आंटी हैं, ये सिर्फ आओ आओ करती हैं या कोई बच्चा भी पैदा किया है? मेरी एक बेटी है। जाती है? हाँ हाँ जाती है। ओह वेरी गुड। चांदनी नाम है उसका। बेगम चांदनी कहाँ है? चांदनी, चांदनी अपनी सहेलियों के साथ गई है। मेरा ख्याल है दुश्मन ने हमला कर दिया है। ओ ये तो बारिश है। लो जी, आपने नाम चांदनी का लिया और गरज बादल पड़ा। अंकल मेरा ख्याल है चांदनी इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के तारों के साथ सितार बजा रही। हाय मेरी जान गई, मीठी मीठी ठंड पड़ी, कोई आए पकड़ ले देना। हाय मेरी जान,
ये मेरी बेटी चांदनी है। ये अब तक कहां थी? सेठ साहब, एक बात करो, मुझे मारोगे तो नहीं? मैं कोई पागल हूं? अच्छा, पागल नहीं? लो, मैं आपको आज तक पागल ही समझता रहा। बात दरअसल ये है सेठ साहब कि मैं शहर में अजनबी हूं। अगर आपकी बेटी मुझे शहर दिखा दे तो मैं इसे तारे दिखा दूंगा। मेरा ख्याल है अंकल, चांदनी को बुरा लगा है, छोड़ें। बुरा क्यों लगेगा? मेरी बेटी इतनी बदअखलाक नहीं कि मेहमान की ख्वाहिश भी पूरी ना करे। वैसे अक्सर मुझे दुनिया के शहर अंकल्स की बेटियों में ही दिखाए हैं। खाता हूँ कि गरीबों को एहसास कमतरी ना हो। तुम्हारे कितने पैसे हुए भाई? पैसे मैं दूंगी। और पिछला बिल भी तुमने दिया है। तो फिर क्या है? अब भी मैं दूंगी। इसका मतलब है सारे बिल तुम दोगी? हाँ। पानी का बिल? हाँ। टेलीफोन का बिल? हाँ। गैस का बिल? हाँ। बिजली का बिल? इस दौर में उससे बड़ा कौन खुश नसीब होगा जिसके सारे बिल देने वाला कोई और हो। नीचे नई गाड़ी, बगल में लड़की,
अरे अरे इसका हाथ किसकी जेब में पड़ गया है? चांदनी कहां गई? चांद सेठ के साथ। ये चांद सेठ कौन है? इस शहर के करोड़पति रईस हैं। आपने अपनी जवान बेटी अजनबी के साथ भेज दी? इसलिए कि उसकी तबीयत से वाकिफ हो सके, उसका मिजाज समझ सके। अंकल, चांदनी मेरी बीवी बने ये आपके दोस्त और मेरे बाप की ख्वाहिश थी। आप अपने दोस्त की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेंगे? आपने अपनी सोच बदल क्यों दी? तूने शादी करके मुझे से कुछ लेना था, मगर चांद सेठ के पास मेरी बेटी को देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये शादी नहीं, कारोबार करना चाहते हैं। गरीब लोग अपनी बेटियों के बोझ अपने कंधे से उठाकर दूसरों के कंधों पर रख देते हैं। ऊंचे तबके में कुछ शादियां सियासी और कुछ कारोबारी होती हैं। लो जी सेठ जी, आपकी बेटी आपको वापस कर दी। इसने मेरी बड़ी खातिर की है। मैं जो खाता गया पीता गया सारा बिल इसने दिया। ये मां की बद्दुआ कौन है? क्या बात है जी, बड़े नाराज खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम। और ये कौन है जिसने मुझे पंजा मारा? कौन था ये? और ये कौन बंदा था? सेठ साहब, देखो जी, मुझे सेठ साहब पंजा मार गया। और मारनी थी तो मुझे पूरी चपेट मारता पागल। और नहीं जी, पंजा मेरी छेड़ है। जो कोई बात है भला, आखिर हमारे भी आदमी है। ये और बात है कि हम नए नए आए, हमारी वाकफियत नहीं है। बहरहाल, मैंने आपसे एक अर्ज करनी थी सेठ साहब, वो जरा चौकीदार से कहकर कुत्ते बंद करवा दे, मैंने जरा बाहर जाना। सलाम अलैकुम। बेगम, चांदनी के लिए ये शोहर कैसा रहेगा? आओ। हाय हाय हाय, हर दफा नई गाड़ी का पहिया मेरे दिल से गुजार कर चला जाता है। सूरज यार, पता करना पड़ेगा कि इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं पैसा किसका है। वो लड़का मेरे 5 लाख रुपए लेके भागा, वो समझा मैं उसे पकड़ूंगा। मैंने उसे पकड़ा ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं जरा तू यहां? तू नीचे क्या चक्कर दे रहा था? मैं चक्कर के बच्चे 500? इसको तो छोड़। और पागल, तुझे नहीं पता मैं यहां झूठा रईस बनकर इन रईसों का माल खींच रहा हूं। तुझे खुदा का वास्ता है, मेरी पोल ना खोल। एक काम कर, ये पकड़ 500 रुपए, और तुझे जब भी पैसे चाहिए हो गेट पे आ जाया कर, मैं तेरी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। तू मेरी मदद करेगा? हाँ। तो फिर मेरा उनसे तारुफ तो करा दे। बहैसियत ड्राइवर? नहीं, बहैसियत पार्टनर के। शराब, तुम घटिया गरीब, मैं तुम्हें इतनी लिफ्ट नहीं दे सकता। मैं सड़कों पर घूमूं और तू पिजारे चलाए, मैं फाके करूं और तू ऐश करे।
अगर तू मुझे ऐश नहीं करा सकता तो फिर हम दोनों फाके करेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू मेरा भाई है जानी, मैं तेरा कमी हूँ, धोबी हूँ, नौकर हूँ, तेरा कुत्ता हूँ। तुझे अंदाजा नहीं मेरे पारे तू कितना बड़ा सेठ है। मैं सेठ हूँ? हाँ जेंटलमैन, मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, मेरा हमराज सेठ सूरज। आज ही पेरिस से आया, बाल कटवाने के लिए पेरिस गया था अपनी जाती आप दोस्त पर बैठकर। हेलो, आई सी आई सी आई सी, हु आर दिस फुकराज गरीब? दे आर नॉट फुकराज एंड गरीब। तुम क्या समझ रहे हो ज़कात लेने के लिए आए? नो, दे आर रिच पीपल, रईस लोग हैं। रईस लोग हैं? भाई जी ये हमसे भी ज्यादा रईस है। सूरज सेठ, दौलत और बीमारी का अपनी अपनी का पता होता है। हम कितने अमीर हैं ये हमें पता है। हेलो, मैं इनसे नहीं। हेलो हेलो सेठ, शुगर वाला, गन्ने वाला, चीनी वाला सेठ जयाबती। लवली। हेलो सेठ जापान वाला, मुझे आपकी आंख में सुअर का बाल लगता है। बिल्कुल ठीक है, सुअर का बाल आंख में ना हो तो बंदा अमीर नहीं बनता। अगर देखना चाहते हो तो अपनी आंखों में देखो, आपकी आंखों में दो दो सुअर के बाल हैं। बहुत कंगी ना क्या करो, तुम्हारे बाल सबकी आंखों में गिर जाते हैं। लवली। हेलो कागज वाला, कागज वाला, गुड़ी का कागज, नदी का कागज, कौन से कागज? ये तलाक के कागज भी बनाते हैं। आई सी। हेलो हेलो तीन वाला, तीन डब्बे वाला। ये क्या किया, गंदगी वाला हाथ लगा दिया सेठ को? सेठ सेठ बूसी टुकड़े वाला, माई सेक्रेटरी। आई सी आई सी। सेठ जापान वाला, जापान वाला, तुम यहाँ हो, कैसा पकड़ा है? क्या हो गया, जापान पे हमला हो गया? ऐसी तो कोई बात नहीं जापान वाला, आज मेरी भतीजी किरण का शानदार शो है। अच्छा अच्छा अच्छा, शो यानी नाच गाना? अरे तेरी भतीजी तो बड़ा अच्छा डांस करती है। ये मेरे मेहमान है, ये भी हमारे साथ शो पे जाएंगे। ये क्या बातें कर रहा है जापान वाला, सो समझ के बात कर, वहाँ डांस हो रहा है? हाँ हाँ डांस हो रहा है। ओए वहाँ डांस हो रहा है? हाँ हाँ डांस हो रहा है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाने की तैयारी करो, आओ।
पहला पहला प्यार कभी मर नहीं सकता, इश्क में डूबा तर नहीं सकता। पहला पहला प्यार कभी मर नहीं सकता, इश्क में डूबा तर नहीं सकता। प्यार की गुड्डी जब चढ़े आसमाने, प्यार की गुड्डी जब चढ़े आसमाने, नाच नाच होने लगी पगड़ी जवानी, नाच नाच होने लगी पगड़ी जवानी। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, इसी तरह मैं नित नए रईस दरियाफ्त करता हूं। अंकल, अब कौन सा सेठ दरियाफ्त किया है? सूरज सेठ। सूरज सेठ? सूरज सेठ, उन पुराने रईसों के साथ जो नया सेठ तुम्हारा शो देखने आया था, उसके करीब हो जाओ ताकि मैं उसकी जेब में हाथ डालूं और इज्जत की रोटी निकालू। अंकल, अब तू ये चाहता है कि मैं उस पर अपने इश्क का जादू बिखेर दूं? हाँ, जादू, ऐसा जादू बिखेरो, ऐसा जादू बिखेरो किरण, कि पहली मुलाकात में पागल हो जाए। ओ। हेलो, किरण, मिलना चाहती हो? नहीं, अगर तुम मिलना चाहती हो फिर तुम किरण नहीं हो सकती। आगे मिलना चाहती हो? कहा? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं। अब उफ, आह आह, किरण जी, अब मुझे क्यों बुलाया है? क्या कर दिया है मुझको? क्या कर दिया है? मैंने क्या किया है? तूने कैसी फूंक मारी है, कैसा जादू किया है, कैसा तावीज कर दिया है? क्या कह रही हो? तुझे भूख लगती है? हाँ। नींद आती है? हाँ। चैन है?
मेरा सब कुछ छोड़ गया है। किसी को भी पुकारूं, मुंह से तेरा नाम निकलता है। जिधर देखूं, तू ही तू नजर आता है। अब झूठ ना बोलना जालमा, मैं लग ही गई। हाय ओए, हाय ओए, हाय ओए, हाय ओए, हाय ओए, हाय ओए, मैं लग ही गई। मैं लग ही गई, वे मैं लग ही गई। अरे अरे अरे, बगैर हाथ उठाए दुआ कबूल हो गई। अरे बगैर किए इश्क हो गया। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। हाय चांदनी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने फिल्म में देखा था, हीरो पीछे से आके हीरोइन को पकड़ लेता है। मैं कहती हूँ, तू तो फिर भी कह सकती है। तेरे पास तो बड़ा टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आई लव यू, 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 आई हेट यू। थैंक यू, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझसे प्यार कर ले, मेरी बहन नहीं। हेलो चांदनी, गाड़ी रोक दो विक्की, मैंने कहा ना गाड़ी रोक दो। प्लीज गाड़ी रोको, प्लीज विक्की। ओ यो, मैंने कहा ना तुमसे गाड़ी रोको। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, प्लीज गाड़ी रोक दो, प्लीज विक्की। देखो क्यों लाए हो? आज मैं तुझे अपने नाम की शनाख्त दूंगा। शट अप इडियट। नहीं, 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 जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। आ गई ना हूं अपनी असली जगह पर। इसे पास रखो, इसमें मेरे पैसे, लेके ना भाग जाना। क्यों रे, हया कर, इतना बड़ा तेरा पिंडा है, तू इसे बिल जबर फंसाना चाहता है? हाँ, नहीं, औरत को फंसाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, कोई इखलाक होता है, और तुझे वो तरीके मैं सिखाता हूँ। Thank you.
हमने तुझे तवाइफ समझा था और मैं तुझे बीवी समझता हूं। मुझे हक है कि मैं तुझे प्यार करूं और तुझे हक है कि तू मुझे नफरत कर। मगर एक बात याद रखना, मैं सारी जिंदगी तेरी नफरत की भी इज्जत करूंगा। मालिक, इतनी फाइट की है, अब तो सेट करा दे। उसने तुझे तवाइफ समझा था और मैं तुझे बीवी समझता हूं। मुझे हक है कि मैं तुझे प्यार करूं और तुझे हक है कि तू मुझे नफरत कर। मगर एक बात याद रखना, मैं सारी जिंदगी तेरी नफरत की भी इज्जत करूंगा। Thank you.
एक तेरा प्यार मैनू मिले मैं दुनिया हाय हाय। सेठ साहब कहाँ है? वो जी खुरे में है, मेरा मतलब है जी अपने कमरे में। कमरे में क्या कर रहे हैं? मूड सख्त खराब है, फॉरेन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की जान खा रहे हैं। उन्होंने कुछ बाहर से पैसा मंगवाया था जो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। उनके पास तो अब फकीर को देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, बल्कि वो हर जुमे रात की सैर को घर से निकलते हैं और शाम को थक कर वापस आ जाते हैं। अरे अल्लाह। सेक्रेटरी, ये 50,000 रुपया तुम रखो, उन्हीं से कहना मैंने दिए हैं, किसी और से ना कहना। किसी और से क्यों कहूंगा, किसी और से कहकर उनके करीब करना है। सेठ साहब, उनके दिल के अंदर आप रहेंगे आप। सेठ, कागज वाला ने 50,000 दिया है? मैंने सिर्फ आपको बताया है। ये मुझे बाखबर रखने का इनाम। शुक्रिया। और ये 1,00,000 रुपया देकर सेठों के दिल में मेरे लिए जगह बनाओ। 1.5 लाख उन दोनों ने दिया, 3 लाख तुम मेरी तरफ से ले जा। सेठों को उन दोनों से तोड़ के मेरे साथ जोड़ दे। जब तक ये खर्च होंगे तो तेरे सेठों को और जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि उनका अपना पैसा आ जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि मैं जुए की टेबल पर उसे पैसे उठाने देता हूं जो टेबल शो कराए। ओके? अब कैसा ओके? ओके, अब तू यहां से 9:02:11 हो जा। ये ब्रीफ केस मैंने नोटों से भर लिया है। ये तेरा इनाम। वेरी गुड। हाँ, हमारी रईसी कायम करने के लिए इसमें सारे रईसों ने रकम डाली है ना। इस जापान वाला ने कुछ नहीं दिया। वो इंसान नहीं, गिद्ध है, उसका इलाज मैं जरूर करूंगा। चांद, फिक्र मत करो। हाँ चांद, इन पैसों से किरण आ सकती है? अरे तू किरण की बात कर रहा है, इन पैसों से हम पूरी हीरा मंडी खरीद लेंगे। ओ आई, अरे आगे शिवाजी आ जा। मुझे बचा ले सूरज। ओ खैर है किरण, क्या हुआ है? तुम्हारी इज्जत पे किसी दुमदार सितारे ने हमला कर दिया। क्या हुआ है किरण, क्या हुआ है? मेरे चाचा ने एक बदमाश का 2,00,000 रुपया देना था, आज उसने चाकू मेरे चाचा की शारक पर रख दिया है और कहता है या 2,00,000 रुपया वापस कर या अपनी भतीजी को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तेरी शारक काट दूंगा। तू फिक्र न कर किरण, उस बदमाश की ऐसी की तैसी, ये पैसे मैं उसके मुंह पर जाकर मारूंगा। आ जा। एक मिनट यार, इसमें से 10,000 तो मुझे दे दे। छोड़ दे। 5,000 दे दे। हट जा। 500 दे दे। नहीं, 50 दे दे। हट जा। वो आ गए हैं, नाटक शुरू कर। अरे मेरा 2,00,000 रुपया निकाल, वरना अपनी भतीजी मेरे हवाले कर, मैं तेरी शारक काट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कुत्ते कमीने, छोड़ दे मेरे चाचे को, गंजे शैतान, पिंड वाले, छोड़, उठ मोटे तरबूज। ये ले पकड़ पैसे और अपनी ये मनुष्य का दूर कर। गेट आउट, आउट आई सेड। सूरज सेठ, जो तुम ना आते तो आज किरण नहीं थी या मैं नहीं था। आइंदा किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत हो तो मेरे कान में आके कह देना, आज के बाद आपका और इसका कफील मैं हूं। सूरज सेठ, तुमने मुझे खरीद लिया है। और ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, खुदा हाफिज। इधर पकड़ा है, कुछ निकाला तो नहीं? जो कुछ भी है मुट्ठी बंद है। ये लो पार्ट करने का मुआवजा, कुल 500 रुपए। 500 के बच्चे, तमाशील में इतने ड्रामे करते हो, कभी वहां से भी इतना मिला है? चल चल। किरण, तेरे जरिए मैं सूरज सेठ की सारी दौलत उधर से इधर कर लूंगा। नैश बुजुर्गों, तुम इस फितना, ये तुम्हारा असली रूप है। तुझे पता है सूरज किरण से कितना प्यार करता है? अरे शरीफों के साथ धोखा फरेब कंजर करते हैं, कंजर। किरण, तेरा चाचा तो 100% कंजर है, तू क्या है? अगर मैं सूरज को बता दूं तो उसे कितना दुख होगा कि तूने सिर्फ पैसों के लिए उसके आगे झूठा इश्क बेचा है। खिलौना ना बन किरण, औरत बन, औरत। ठहर जा सेठ, अपना पैसा वापस ले जा। किरण, बीच में ना बोल अंकल। सेठ के दो हरफों ने मेरे अंदर की औरत जगा दी है, अब मेरे और सूरज के दरमियान सिर्फ प्यार रहेगा, पैसे की तलवार नहीं। वाह वाह, इतनी जल्दी औरत जागते मैंने पहली दफा देखी। ओ चाचा, तेरे तो नसीबी सो गए बेगैरता। जो ईमान से इस वक्त मेरे सामने चांदनी होती ना, तो मैं उसे लिपटा लेता। लेकिन तुम डरो नहीं, तुम तो मेरे वास्ते नामहरम हो। यार सूरज सुन भाई, अंग्रेज जाते जाते हमारे मुल्क में जो बीमारियां छोड़ गए हैं, बुराइयां छोड़ गए हैं, उनमें से एक बुराई और बीमारी ये मेज कुर्सी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ले भैया, मैं तो जमीन पे बैठ के खाऊंगा। सीधी जो बात है, जमीन पे बैठ के खाना है, जमीन के अंदर जाना है। हाँ चांद, याद आया, जब हम नैरोबी में थे, हाँ, और प्रिंस चार्ल्स को दावत दी थी, हाँ, वो खाना हमने जमीन पर बैठ के खाया था। हाँ वाह बिल्कुल। वैसे एक बात है यार सूरज, मैं जब भी मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अब सोच, ये फौत होगा तो इसकी चिता को आग लगानी पड़ेगी। शर्म कर, मैंने तुम्हें पनाह दी है। कह रहा है मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। याद है चांद, जब हम मोरक्को में थे, वहां खाना हमने ऊंटों पर बैठकर खाया था। तुम उधर बैठो, चलो शाबाश, चलो। इन्होंने दारा इस्लाम से खारिज होना है? बेटा इस्लाम इनके लिए तो आया था। अरे मैंने तो कभी बड़े अब्बा की नहीं की, हमेशा बड़े आदमी की पैरवी की है। कालीन पे बेहरे चढ़ाई है, या अल्लाह खैर करना।
मेरी खैर हाजिरी में तूने मेरी कोठी में एक चांद और सूरज चढ़ा दिए। अब आसान काम यह है कि मैं पुलिस को टेलीफोन करके इन्हें गिरफ्तार करवा दूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे? मैं इनकी तबीयत और नीयत का पता करूंगा। वो किस तरह? अपनी कोठी में आप नौकर बन गए। मुझे माफ करना। बाबा जी आप आराम से बैठे, मुझे माफ करना। ईमान से मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने जानबूझ के आपको तकलीफ नहीं दी। कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? कौन है आप? इधर देखें, कौन है आप? किससे मिलना है? क्या हुक्म है? मुझे बताएं कौन है आप? मैं इस घर का पुराना नौकर हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे पता ही नहीं। नौकर तू नौकर है और मुझे बताया भी नहीं? तुझे नौकर किसने रखा है? कहाँ मर गया जिसने मुझे रखा हुआ है? इसको मुलाजम मैंने रखा। नैना करके बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि तुमने नौकर रखा है? मैं इसके पैर दबाता रहा हूँ, अब मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? गुस्सा न करो साहब जी, मैं गरीब भी हूँ और भूखा भी। क्या नाम है तेरा? ऐसी चोट लगी है कि नाम ही भूल गया है। मेरा ख्याल है मेरा नाम झंडे खान है। अच्छा, झंडे खान। ये कौन है? ये मैं हूँ। झंडे खान, ये बता, तूने इससे पहले कहीं नौकरी की है? अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के अलावा हर बड़े आदमी की नौकरी की है साहब जी। तेरे पास कोई सर्टिफिकेट, कोई हुस्ने कारकर्दगी का तमगा, कोई, मेरा मतलब है कि ये तमगे तो असर रसूख से मिल जाते हैं साहब जी, रह गई सनदें और सर्टिफिकेट तो वो पैसे से मिल जाते हैं। मेरा सरमाया तो मेरी सच्चाई है। अगर तुम्हें कहे कि सिगरेट लेके आओ तो ले आओगे? ला दूंगा। जो तुझे कहे सब्जी ले आ, वो भी ला दूंगा। और अगर गोश्त के बारे में कहे तो? वो भी ला दूंगा साहब जी। जो तुझे कहे कि कुड़ी ले आ, वो अगर तुम भी लाए तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। झंडे खान, ले भाई तेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। सबसे पहले तू ये काम कर कि जनाबे सूरज की मालिश कर। नहीं, मुझे मैं जब इंसान की मालिश करते हुए देखता हूं ना तो मेरा सर शर्म के मारे झुक जाता है। और दफा करो, जाने दो, ये सारी जिंदगी गरीब रहेगा, इसे कभी भी नौकरों का इस्तेमाल नहीं आएगा। सलाम करो। यस सर। थैंक यू। झंडे खान, वाले सलाम। तुम इस तरह करो, काम छोड़ो, दफा करो, तो मेरी मालिश करो। सर आपको मैं दबा दूं? ये क्या कह रहे हो, इस तरह दबा दूं? क्या समझ रहे हो तुम? सेक्रेटरी हो तू, जाके ड्रेस प्रेस कर, चल चल फौरन। बदतमीज, आओ जी, बिस्मिल्ला, मेरी मालिश करो तुम। आ जाओ बिस्मिल्ला, आ जाओ, शुरू हो जाओ। आह, जोर लगा। बाबा बुढ़ा हो गया, तेरे में जान ही नहीं रही, जोर लगा। साहब जी, एक दिन की नौकरी करके देख लिया कि ये हाथ इंसान के पैरों को भी लगते हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि आप इस घर के नौकर नहीं, मालिक हैं। खबरदार, तू उनसे कुछ नहीं कहेगा। आप बीमार हो साहब जी? वो तो मैं हूँ। अपनी जान पर ये जुल्म ना करें। मैंने सारी जिंदगी इंसान को अपने इशारों पे नचाया है, अब आप नाच के देखूंगा। Thank you.
तुमने नौकर रखा था इधर मूला बदतमीज ये घटिया इंसान इस उम्र में चोरी करने लगा था। नहीं साहब। चुप है। ये चोरी नहीं कर रहा था, ये कपड़ों को हवा लगा रहा था, इसे मैंने कहा। चुप कर, चुप। इधर मूला, तुमने कहा था इस कमरे में कभी हम आप नहीं आए, तू यहाँ क्यों आया था? गलती हो गई। गलती का बच्चा, गलती हो गई तो तुझे सजा जरूर मिलेगी। चल मेरे साथ, चल चल। तूने कहा मैंने गलती की है, गलती की सजा भी तुझे मिलेगी। गलती की है ना, तुझे सजा भी मैं दूंगा। उठो ए, उठ। सेक्रेटरी जी, ये तुम्हारे पास है
इसे ठुड्डे मारो। इनको ठुड्डे मैं नहीं मारू। मैं तो तुम्हें मार सकता। तुझे सजा मैं दूंगा। सुनो, तेरी सजा यह है कि तू 50 बैठ के लगा। जी ओए, मैंने तेरे साथ अंग्रेजी बोली है। 50 दफा कहा है 50 बैठ के लगा। बंद करो मशीन। चलो तू बैठ के लगाओ और तू गिनती कर। सुन करो, 50 क्या 49 47 33 22 अच्छा सूरज, क्या मेरा इश्क हाफिज? मैं नहीं कहता। लुच्चा, हाय, धुंद बंद कर, जहन पर ही छा गई हो। किरण, तू कहां से आई है? सूरज को मिलकर। तू सूरज को इश्क करने लग पड़ी है? हो गया है। इश्क तेरा पेशा नहीं, प्यार मोहब्बत मुझे सूट नहीं करता। बंद कर ये मुलाकातें। सूरज जब मेरी जिंदगी की जरूरत है। किरण, मेरे इशारों से नाचने वाली कठपुतली मेरे इशारों से बाहर होने लग पड़ी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता तो चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी। मुझे बेइज्जत कर गई हो, तुझे काबू करने के लिए कमीनगी पे उतरना ही पड़ेगा। क्या हुआ साहब जी? क्या बात है झंडे खान, तेरा चाल चलन किसने खराब किया? मेरा मतलब है तुम्हारी लातें किसने चौड़ी की? साहब जी, टांगे चौड़ी तो ज्यादा चलने से होती हैं, मगर मेरी खिचावट से हो गई। खलिया, तुम्हें खलिया कैसे पड़ गई? बैठकों ने। बैठका! मुझे याद आया, मुझे किसी ने कहा था कि खलिया बैठकों से पड़ती है और बैठकों से ही निकलती है। तुम इस तरह करो कि तुम 50 बैठ के और लगाओ। नहीं, चल मैं कहता हूं शुरू। ओए बैठ के लगा। अच्छे दो 40 49 साहब जी, एक घट गई, मेरा पजामा फट गया। अच्छा चलो उठो, उठ चांद। चांदनी, नहीं 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 नहीं, इस घर में लड़की नहीं आएगी, ये वादा था। चांद, ये कौन है? ये असल में मेरा नया नौकर है झंडे खान। असल में इसका पजामा फट गया है, मेरा मतलब है इसका दिमाग खराब हो गया। मैं इसे समझाता हूँ। ये बताओ खान जी, तुम मेरे बाप हो के नौकर हो? काम नौकर का, उम्र बाप की, और जो नौकर मालिक के चाल चलन की हिफाजत नहीं कर सकता वो नौकर नहीं, दलाल है। चली जा यहाँ से। चली जा। ओए रुक जा झंडे खान, और रुक जा ओए, और झंडे खान ओए। ओ वाह जी वाह, क्या बात है। मुझे कहता था इस घर में लड़की नहीं आ सकती, आप उसे बहाने बहाने से हाथ लगा रहे। मुझे पता था इस बात पे छोड़ेगा। समझा कर बेटा, ये औरत रात है, ये बहुत बड़ी
बीमारी है। ये बीमारी नहीं, ये मेरी बड़ी प्यारी है। इसके साथ मेरी शादी की पक्की तैयारी है। तुम घर का ख्याल रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आओ जी। चांदनी, चांदनी क्या बात है, तेरी बत्ती क्यों बंद हो गया? और चांदनी ये बात ठीक नहीं है, तू मेरी महबूबा बन, ब्रूस ली की बेटी ना। दौलत के जोर से इसे छीना था ना, कहो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। चंडे खान, जिस तरह तुमने आज मेरी जान बचाई है, तुम मुझे नौकर नहीं बाप लगे हो। मालिक की जान बचाना हर नमक हलाल नौकर का फर्ज होता है। और ये बात नहीं है, आजकल के नौकर तो डाकुओं के साथ मिलके मालिकों को कत्ल करवाते हैं। तुमने तो मेरी जान बचाई है, इस खुशी में तुम्हारी तनख्वाह में 1000 रुपए का इजाफा करता हूँ और 1000 रुपया बोनस देने का ऐलान करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। झंडे खान जी, यहाँ से जल्दी निकल चलो, ये बड़ी मनहूस जगह है, आओ मेरे साथ। ले जाना मुझे था और ले उसे गया है। तू जा जल्दी से पानी लेकर आ। झंडे खान, झंडे खान होश कर, झंडे खान, झंडे खान होश कर, झंडे खान होश कर। मेरे ख्याल से फौरन अस्पताल लेके चलो, चलो उठाओ उठाओ आराम से, इसे बचा लो डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब बचा ले इसे। ये आपके बाप हैं? नहीं जी, ये हमारा नौकर है। वैसे इसे बीमारी क्या है? इनके खून के अंदर सुर्ख ज़र्रात की कमी हो गई है, इनका खून तब्दील करना पड़ेगा। हमारा खून चेक करें डॉक्टर साहब। हमारा खून इसके खून के साथ मिलता है तो हमारा आधा आधा खून इसे लगा दो डॉक्टर साहब। अमीर होकर एक गरीब नौकर के लिए ये कुर्बानी? हम बाहर से अमीर हैं, अंदर से गरीब हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बातों में टाइम ज़ाया ना करें, खून चेक करें हमारा।
फतेह खान, तुम्हें अमीरे वाली बीमारी कहां से लग गई है? ओ यार, तू तो बड़ा महंगा नौकर है। तेरा खून तब्दील करना पड़ा था, जो इन्होंने अपने जिस्म से दिया है। मालिक, ना ना, बस शुक्रिया अदा नहीं करना। ओहो, जो खून ट्रक से टकरा कर सड़क पे जम जाता है उसी ने तुम्हें जिंदगी दी है, हमने कौन सा एहसान किया है? नहीं, कोई एहसान नहीं किया। डॉक्टर साहब, हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? आप परसों तक ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसे परहेज क्या कराना है? ज्यादा काम ना करे, जहन पर बोझ न रहे, जो खाने को दिल चाहे दिया जाए और हर वक्त हंसता रहे। ओ, जो हसीस की बीमारी का इलाज है तो अभी हंसा देते हैं, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? ओए जंडी खान, ओए जंडी खान, ओ जंडी खान। ಲಕ್ನು ಹುಲಾರದೆ ಕುಡಿಯ ನಿಷಡ ತುಂಬ ಹವದಿದ ಲಕ್ನು ಹುಲಾರದೆ ಕುಡಿಯ ನಿಷಡ ತುಂಬ ಹವದಿದ ಹಸನ ಪ್ಯಾರ ಇಶಾರದೆ ಕುಡಿಯ ನಿಷಡ ತುಂಬ ಹವದಿದ ತೆರಿ ಹಿರ್ನಿ ವರ್ಗಿ ಚಾಲನಿ ತಡಕೆ ತಾಬೂರ ಹಾಲಿನಿ ತೆರಿ ಹಿರ್ನಿ ವರ್ಗಿ ಚಾಲನಿ ಅಡಕೆ ತಾ ಬುರ ಹಾಲನಿ ಕುತನು ಕುತುವಾರ ಸಜದ ಅದರ ಲಕ್ನು ಅದರ ಲಕ್ನು ಅದರ ಲಕ್ನು ಹುಲಾರ ದೇ ಕುಡಿಯನಿ ಸದ ತುಂಬ ಹವತಿದ ತೇರೆ ನಚದಿಯಾ ವಾಲಿಯಾ ಗೋರ ಗೋರ ಮುಖಡೇ ತೇರಲಿಯಾ ಕನ್ನ ವಿಚ ತೇರೆ ನಚದಿಯಾ ವಾಲಿಯಾ ತೇರಾ ಗೋರಾ ಚಿಟ್ಟಾ ರಂಗನಿ ತನಕಿ ತಾಮಸ ಮಲಂಗನಿ ತೇರಾ ಗೋರಾ ಚಿಟ್ಟಾ ರಂಗನಿ ತನಕಿ ತಾಮಸ ಮಲಂಗನಿ ತೇರಿ ಯಕ್ಕಿ ಯಕ್ಕಿ ಕದಲಾಸದಾರಕನು ಸರಲಕ್ನು ಹುಲಾರಾಜೆ ಕುಡಿಯಲಿ ಸದ ತುಂಬ ಹವದಿದ ಪ್ಯಾರ ಪಾಲಿಯೇ ರೇಷ್ಮಿ ಸೂ ಚೂಡೆ ವಾಲಿಯೇ ಅಜಯ ಕುಜನ ಪ್ಯಾರ ಪಾಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆ ಹಾಸನಿ ಬಸ್ ಜಾಯೇ ಕೇಡೆ ಬಾಸನಿ
जिन्ने जिन्ने हसनी अच जाइए केड़े पासनी साढ़ा तेरे बिना जी नहीं लगता जरा लखनऊ जरा लखनऊ लाला दे कुड़िए नी साढ़ा तुम्बा वजदा तन प्यार इशारा दे कुड़िए नी साढ़ा तुम्बा वजदा तेरी हिरनी वर्गी चालनी साढ़ा चीता बुरा हालनी तेरी हिरनी वर्गी चालनी सड़की तो बुरा हालनी उतनों पुकारा सजदा गरलक नुहलारा ते कुड़िये नी सड़ा तुम्बा वजदा गरलक नुहलारा ते कुड़िये नी सड़ा तुम्बा वजदा जापान वाला सेठ चीन का सोच ना जापान का सोच दुनिया का सोच ना उस जहान का सोच शादी के कार्ड छपने से पहले किरण और सूरज की जुदाई का सोच अंकल खुशिया मैं उल्लू का पट्टा हूं नहीं किरण पे आंख मैंने रखी थी सूरज ने मेरी आंख में आंख डाल दी है तेरा क्या ख्याल है मुझे तकलीफ नहीं अब सूरज पे वार करने से पहले यह जानना जरूरी हो गया है कि दुश्मन कितने पानी में है किते किते टखने तक कमर तक या गले तक अंकरीब ये फैसला हो जाएगा हां तो मुझे ये बताओ कि फिर इब्तिदा मैंने किसका करना है किसी गरीब की बस्ती को गिराकर जो तुमने प्लाजा बनाया उसका इब्तिदा करना है या किसी बंदे की बेइज्जती का इब्तिदा है या किसी सट्टे के क्लब का इब्तिदा है किसी बिलेट टेबल का इब्तिदा है या किसी डांस क्लब का इब्तिदा है मैंने इब्तिदा किसका करना एक यतीम खाने का हाँ यतीम खाने की बात करके तुमने मेरा दिल मेरा मन और मुझे जीत लिया है आओ मेरे साथ मेरे पीछे आओ चंडे खान चंडे खान चंडे खान जी सेठ साहब चंडे खान चांद कहां गए वो इफ्तिताह करने गए हैं इफ्तिताह करने किस चीज का एक यतीम खाने का ठीक है उसे जाना चाहिए था सेठ जी आप भी यतीम खाने में पले नहीं थे चलाते थे वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया यतीम खाने से आपका लगाव देख के ज्यादा सवाल ना किया कर और हेलो सूरज स्पीकिंग सूरज सेठ हमने तेरा पार्टनर रिकवाब कर लिया है बकवास न कर वो तो इफ्तिताह करने गया है इफ्तिताह के बहाने अगवा का मंसूबा हमने बनाया था अगर तुझे यकीन नहीं तो बात कर पार्टनर के साथ कुत्ता जी सलाम अलैकुम शेर साहब तो बात कर अपने पार्टनर से जी भाई यार मैं सूरज चांद चांद ये क्या मजाक है यार ये मजाक नहीं ये पागल के बच्चे ये हकीकत है काश तू टेलीफोन के अंदर से देख सकता और तेरे से बड़े बड़े कुत्ते हैं यहाँ और मेरे से बड़ा शेर है यार मुझे बचा ले सूरज चांद हेलो हेलो चांद इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं सूरज इन्होंने मुझे बड़ा ही मारा यार खुदा की कसम बड़ा ही मारा शेर को मेरे मुंह के बिल्कुल ही पास लिया है ले शेर से बात कर पहले कुत्ते से बात कर अपने पार्टनर की चीखें सुन ली है
अगर तुमने हमारे साथ रابطہ ना किया तो इसे आधा शेरों के आगे आधा कुत्तों के मुंह में दे देंगे। याद रख, इसका तवान 50 लाख है। क्या हुआ चंडे खान? चांद इकवा हो गया। क्या कह रहे हैं चंडे खान? वो कह रहे हैं कि अगर 50 लाख का तावान ना दिया तो वो चांद को मार देंगे। अगर चांद मर गया तो मैं मर जाऊंगा। कहां चले? हमारा पैसा आने में देर लगेगी, उतनी देर तक किसी सेठ से मांगने जा रहा हूं। मुसीबत के वक्त तो रईस रईस को कुछ नहीं देता, तुम तो झूठे रईस हो सेठ जी। चांदनी, चांदनी, क्या ये सूरज इतनी घबराहट? चांदनी, चांद इकबा हो गया। हाँ, और उन्हें तावान 50 लाख मांगा है। 50 लाख? तेरी तेरी चांद इकबा हो गया। तावान 50 लाख रुपए, सुन चुका हूं। मैं टीन वाले और शुगर वाले के पास गया था मगर वो मुल्क में नहीं है। अगर आप ये रकम दे दे तो फिर। सूरज सेठ, इगवा इस दौर का वो बिजनेस है जिसमें मुनाफा इगवा करने वाले को होता है, तावान देने वाले को नहीं। और मैंने जिंदगी में वो बिजनेस ही नहीं किया जिसमें मुझे कुछ ना मिले। अगर मेरा पार्टनर अगवा होता तो जानता है मैं क्या करता? जी आप भीख मांगते, चोरी करते, कर्जा लेते मगर तावान की रकम जरूर पूरी करते। बिल्कुल गलत। मैं अपने पार्टनर की लाश का इंतजार करता, उसे सफेद कफन पहनाता, शहर के सारे रईस बुलाता और उसकी नमाज जनादा कराता और कुल के बाद उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता। इंसान कोई चीज नहीं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, खाया पिया, कुछ चीज नहीं। हर रईस की नजर का एक ही टारगेट होता है और वो कोई ऐसा वैसा नहीं, पैसा पैसा है। ओए तू भी कोई ऐरा गैरा नहीं, रईस है रईस। अपने पार्टनर को बचा नहीं, उसे मरवा, उसकी लाश पे नाजुक दिन और पैसा गिन। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हारे नंगा होने का वक्त आ गया है। तुम्हारे जिस्म पर कुछ भी नहीं रहने दूंगा। हेलो सूरज शेख, तेरे घर से यहां तक का फासला 35 किलोमीटर है और वक्त 40 मिनट। तुझे इतना याद कराना था। दल पर शीश महल क्यों बुलाया था यार? पाली पर अपनी झूठी रईसी की बुनियाद क्यों रखी थी? अरब पतियों के इस शहर में झूठे रईसों को 50 लाख कॉल देगा, कॉल देगा तेरी गरीब जाल, कॉल बचाएगा, कॉल बचाएगा तेरी गरीब जाल, कॉल बचाएगा। सूरज, सूरज ये जेवर मेरा अपना है और मैं डैडी से चोरी लेकर आई हूं। चांदनी, वक्त पर एक इंजेक्शन गरीब की जान बचा सकता है। चांद रईस है, उसको सिर्फ 50 लाख बचा सकता है।
इस देवर के साथ पूरा चांद तो क्या आधा चांद भी नहीं आ सकता। सूरज सूरज, मेरे अकाउंट में इतने ही पैसे थे, देखो शायद कुछ हो सके। हाँ, कफन आ सकता है, कब्र बन सकती है, मगर चांद जिंदा नहीं आ सकता। सूरज 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 चांद 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 तू आ गया चांद। सूरज, चांद की रोशनी सूरज की रोशनी के साथ है। मुझे यकीन था कि तू मेरे लिए जरूर कुछ करेगा। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? मैं नहीं जानता। आओ, चांद को अगवा कराकर मैंने सूरज की माली हैसियत चेक की थी। 50 लाख उसने मेरे मुंह पर मारकर यह साबित कर दिया है कि वो उल्लू के पट्टे नहीं, रईस हैं, सच्चे रईस। मुबारक सर, मुबारक। मुबारक सर, मुबारक। कैसी मुबारक? आपकी संतली की, बेरहमी की या इंसान दुश्मनी की? माशाल्लाह, तुम लोग ट्रेन में दवाएं बेचते हो? जी। ओ जी, पे मुझे याद आया, तुम तो सेठ जी हो। तुम लोगों को देख के एक बड़ा पुराना शेर मुझे याद आया है। सिया बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से होता है। टाटा टान, मेरे सर पर मौत मंडलाई तो तुम तोता चिशम हो गए थे। जिंदगी में बहार आई और तुम इब्नुल वक्त बनकर आ गए हो। क्या समझे थे तुम, हम कंगले हैं, फकीर हैं, छूटे रईस हैं? तुम खुदगर्ज, लालची और मतलबी हो। मरने वालों के मुंह में चिल्लू पर पानी न टपका और जिंदों को मुबारकें देते हो। तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। सेक्रेटरी जी हजूर, झंडे खान, थक्के मार के बाहर निकाल दो। और मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे नहीं, इन लोगों को बाहर निकालो। रुक जाओ, हम इंसान नहीं सरमाया है, सरमाया। जिससे मिले चले, थाने चले, अदालतें चले, हुकूमतें चले, इंसान के हाथ की नब्स चले। सो व्हाट, ये मेरा ये सरमाया चमड़े के कारोबार में लगाओ या कोयलों की दलाली में, हम नहीं पूछेंगे। क्योंकि बिजनेस में एतबार आदमी की हैसियत का किया जाता है, इंसान की मजबूरी का नहीं। खुदा हाफिज। ये वो चीज है जो कबूतर को मिल जाए तो वो फिरौन बन जाता है और अगर इंसान को मिल जाए तो वो बेईमान हो जाता है। चांद, चलिए आप इन चीजों को छोड़कर
अपनी दुनिया में वापस चले। अपनी दुनिया में? हाँ, वहां जहां यतीम खाना था, गुर्बत थी, थप्पड़, ठुड्डे, गालियां, भूख, प्यास। याद है तुझे वो जेल की कोठरी, कितनी बदबू थी वहां तेरी और मेरी? जेलर का वो रवैया याद है जो मैं रात को हमसे क्या कहता था? नहीं यार, वो याद न करा। ये याद रख के मुझे जख्मों का मरहम मिला है तो तू मुझे कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के वापस चला जाऊं? क्या तकलीफ है तुझे? मुझे बता, क्या तकलीफ है तुझे? मेरा जमीर तंग करता है यार। और कहां है ये जमीर साहब? इसे मैं खुद मारूंगा। या तो इस जमीर को तू मार दे, और इस तरह मार इस जमीर को जिस तरह सारे रईस मारते। सोच यार, एक दिन इस कोठी के मालिक ने भी आना है। जिस दिन सेठ साहब आगे सारी हकीकत खुल जाएगी, उस वक्त क्या करेंगे, कहां जाएंगे? जेल में जाएंगे। मेरा तो सामान भी अभी वहीं पड़ा है यार। हम तो पहले ही जेल से आए हैं, एक बार फिर चले जाएंगे। तेरा दिल इन नोटों के साथ लग गया है और मेरा उचाट हो गया। तू यहाँ रह और मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुन सूरज, देख लेना, एक दिन पछताएगा तू। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सूरज, सूरज, जा, अब मैं नहीं रोकूंगा तुझे। जा, मैं रह लूंगा तेरे बगैर, रह लूंगा मैं तेरे बगैर। मैं बड़े पैसे हैं मेरे पास, अब नए नए कपड़े सिलवाऊंगा, तेरे भी सिलवाऊंगा, मगर तुझे भेजूंगा नहीं। खूब ऐश करूंगा, मैं सैंडविच खाऊंगा, चाहे तेरे बगैर मेरा एक्टी वाला ना उतरे। तुझे याद भी नहीं करूंगा, मैं याद भी नहीं करूंगा। और सुन, एक दिन तू वापस आएगा, ये भूख और गुर्बत तुझे वापस लाएगी, तुझे वापस लाएगी, तुझे वापस लाएगी। अरे यार, अरे बहन को क्यों तंग कर रहे हो? बहन होगी तेरी। ठीक है, अगर तुम कहते हो। तो बहन मैं बना लेता हूं। तू इस बहन का हाथ हमारे हाथ में पकड़ा दे। कमाल है यार, वो कौन सा जलील भाई होगा जो अपनी बहन का हाथ तुम जैसे जलील कमीने लोगों के हाथ में देगा। फिलहाल ये मुक्का हाजिर है बहन। हाथ पांव तोड़ने आए थे और साथ में एक किराए का पिस्तौल भी छोड़ गए। वैसे बहन, तुम घर से अकेली क्यों निकली हो? माँ बीमार थी, दवा लेने आई थी, ये मर जाने पीछे ही पड़ गए। अच्छा, चला मैं तुझे घर छोड़ा, चल। खाली हाथ आए हो? जिसको उठाने गए थे वो लड़की किधर है? लड़की तो हमने उठा ली थी। बेच आए हो? नहीं, वहाँ उसका भाई आ गया था, वो छुड़ा कर ले गया। कौन है उसका भाई? एक 500 निकालो। 500 निकालो तो सही। अब तुम जाकर जापान वाला के साए में सो जाओ, मैं रिपोर्ट लेकर आता हूं कि उसका भाई कौन है। माँ, माँ, क्या हुआ शुभू? आज अल्लाह ने बचा लिया माँ। क्यों, खैर थी? गुंडे पीछे पड़ गए थे, एक भाई फरिश्ता बन के ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। पर वो फरिश्ता सीरत है कौन? अंदर आ जाओ भैया। Thank you.
माँ, माँ तो ऐसे कह रहा है जैसे अजल से मैं तेरी माँ हूँ। माँ, पीछे पलट और याद कर, एक दफा मैंने तेरी गठरी बजाई थी। गठरी? मैं उन दो में से एक हूं, सूरज। 15 साल बाद आए हो बेटे। मां, सूरज जहां से निकलता है उससे वहां वापस आने के लिए बड़ा सफर करना पड़ता है। बेटा, तेरे साथ एक चांद भी था, वो कहां है? वो डूब गया मां। कहां? दौलत के पहाड़ पीछे। वो भला कितना ही अमीर हो गया है, माँ को तो पहचानेगा ना। मैं आप उसे मिलने जाऊंगी। अगर उसने पूछा कौन, तूने कहा माँ, उसने कहा कौन माँ, तो फिर तुझे बड़ा दुख पहुंचेगा माँ। तूने अपनी सारी जिंदगी चांद और सूरज के बगैर गुजार दी है, अब अपनी बाकी जिंदगी सूरज के सहारे गुजार दे। अच्छा भी अच्छा, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, बस मां के दिल के साथ ना खेले, दिन रात दौलत के साथ खेलता रहे। चीनी ठीक है? हाय हाय हाय, मजा आ गया शब्बो, मजा आ गया। मां कहां है? मां अंदर है। मां, ओफो माँ, क्या शोर मचा रखा है? माँ मैं जा रहा हूँ। अरे चला कहाँ है? ओ माँ कमाने। ना बाबा ना, एक बार पहले भी गए थे, पूरे 15 साल बाद वापिस आए हो। ओहो माँ, उस वक्त मैं नाबालिग था, अब मैं बालिग हो गया हूँ, नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊंगा और फिर अपनी बहन की शादी करूँगा और फिर मैं अपनी बहू लाऊंगी। वो बात की बात है, बाय बाय। शरीर कहीं का। जापान वाला सेठ, जापान वाला सेठ, मैं डायरी ले आया हूं। सूरज रईस नहीं है, गरीब बस्ती में रहता है, उसकी एक माँ और एक बहन है। अच्छा, ये तो बड़ा बहन। और बिल्कुल फाके है, लपड़ कैच है और गरीब होरबा है। गरीब होरबा है। बता दो सूरज, ये फैक्ट्रियां और तू यहां इस तरह? ये फैक्ट्रियां, ये बंगले, ये प्लाजा, ये सड़कें, ये फुटपाथ सारे अपने हैं, क्योंकि ये मुल्क अपना है। क्या मतलब? अच्छा हुआ तुम यहां आ गई हो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आओ, आओ। क्या कहना है? किरण, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जहां लाहौर स्टेशन है वो जमीन मेरे बुजुर्गों की है, तो तुम्हें यकीन आ जाएगा? ये मेरी खुशनसीबी की इंतहा होगी सूरज। किरण, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बीसीसीआई में मेरा 10 करोड़ रुपया था जो मुझे वापस मिल रहा है, तो तुम्हें यकीन आ जाएगा? और सूरज, उस रकम से मैं एक फ्री अस्पताल बनाऊंगी, एक फ्री हाई स्कूल बनाऊंगी। किरण,
अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं वो वायलिन हूं जिसका कोई सुर नहीं, तुम्हें यकीन आ जाएगा? मैं एक झूठा रईस हूं, वो इंसान हूं जो तुम्हें बीवी बना के न रोटी दे सकता है, न कपड़ा और न मकान। फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना? चली जा, चली जा। तू गई नहीं सूरज, यार गरीब हो जाए तो उसे छोड़कर तवायफ जाती है, शौहर को बीवी नहीं। ना बात चाहे ना
लड़के के रिश्ते के वास्ते आया हूँ। मुझे नहीं पता था आप जैसे शरीफ लोग मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ आज शादी हो जाए, कल मैं वापस दुबई चला जाऊँ। मौलवी साहब, एक तो आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, दूसरे मेरे हालात नहीं कि जहेज का कुछ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वल्ला मैं रिश्ता जहेज के लालच में थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने दिल का टुकड़ा दे दिया उससे जहेज मांगना लांतियों का काम है। अल्लाह शुक्र है। तुम माँ से कहो कल शाम निकाह करके लड़की हमारे हवाले कर दे। तू माँ से क्या पूछता है माँ सदके? माँ मुझे तो शरीफ लोग लगे, तू भी चल के देख ले। जिन बहनों के भाई जवान हो जाए ना, उनके बाप भी वही और माँ भी वही होते हैं। तुझे अगर रिश्ता पसंद है तो बिस्मिल्लाह करके बहन की डोली रुखसत कर दे। सूरज, तू भी रो रहा है, तो मुझे तसल्ली कौन देगा? अल्लाह करे सारे जहां के आंसू मेरी आंखों में आ जाए और खुशियां मेरी बहन का नसीब बन जाए। ये क्या है? सूरज की बहन के निकाह के छुहारे। वारे वारे, शादी हो गई है, दुल्हन रुखसत भी हो गई है। ले खुशियां, अब आया छुहारा तार के नीचे। अब मैं देखता हूं। कौन हो तुम? महकमा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स? टैक्स वसूल करने का सिवा और अच्छा मौका नहीं हो सकता। आज मेरी सुहाग रात है। सुहाग रात हो मैं चट या चांद रात, महकमे को टैक्स चाहिए, वरना मैं हाथ कड़ी लगा के ले जाऊंगा। मुझे इस वक्त जलील न करो, मैं कल शाम तक इंतजाम कर दूंगा। एक मौका दे सकता हूं पर ये आखिरी मौका होगा। मेहरबानी। ये बेच के टैक्स दे दें। इसे बेचकर क्या मिलेगा? 35-40 हजार पर टैक्स से 10 लाख। 10 लाख? अपने भाई के पास जा, वो तो नहीं दे सकते। फिर ये भाई का एक दोस्त है चांद सेठ, उसे कहो उससे ले दे, वरना मुझे हथकड़ी लग जाएगी। जा, इसी वक्त चली जा। ओ मां मां, बिस्तर तू क्यों उठा लाई है? बहन घर से रुखसत हो जाए और जब तक बहू घर में ना आ जाए काम बेटे करते। ये देख चादर को ऐसा किया, ये तकिया। शबू, शबू, ये
आग रात खत्म नहीं हुई और तू घर आ गई है। किस तरह आई हो? 10 लाख लेने, उन्होंने टैक्स देना है। सुबह टैक्स ना दिया तो उनको हथकड़ी लग जाएगी। यहाँ तो 10,000 नहीं दे सकते और जवाई बेटे ने मुंह भर के 10 लाख मांग लिया है। ये बुरा वक्त निकल गया तो वो पैसा वापस कर देंगे, पर बेटी हम दें कहाँ से? उन्होंने भाईजन के एक दोस्त का नाम लिया था, वो बहुत रईस है। भाईजन उसके पास चले जाएं तो मेरा सुहाग बच सकता है। फिक्र न कर बहन, जिस दरवाजे पर अपने लिए सारी जिंदगी नहीं जाना था उस दरवाजे पर तुम्हारे लिए जरूर जाऊंगा। चांद, ओ आ गया, तू तो बड़ी शान से ये घर छोड़कर गया था। घर छोड़कर गया तो जमाने ने तुझे ठुड्डे मारे, पुलिस ने तुझे ठोकरे मारी, भूख ने सताया तो मैं तुझे याद आया। अब आ गया ना मुंह लटका के, चल अब ऊपर जा, नहा, शैंपू कर, 3-पीस सूट पहन, परफ्यूम लगा और एक दफा फिर रईस बन जा। मैं अपने आप को तेरे रंग से रंगने नहीं आया। तो और मेरे रंग में भंग डालने आया है? 10 लाख मांगने आया। 10 लाख? और जुआ खेलना है, गुजरा सुनना है, जो ये काम कर रहे तो मैं सस्ता करा देता हूं। बहन का सुहाग बचाने आया। शाबाश, लोग जायदादें बनाते हैं, तू बहन बना के आगे। बनाई नहीं, मिल गई है। याद है चांद, बचपन में एक माँ ने हमारे सर पर हाथ रखा था और उसकी एक बेटी भी थी। मुझे याद आया, मैंने उसकी शादी कर दी है। शादी कर दी है? ओ यार, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तेरा क्या ख्याल था मैं नहीं आऊंगा? अपनी बहन के लिए आंखों में दो आंसू नहीं लाऊंगा? ओ यार, मैंने तो बहन की शादी पर अनार बनकर इस तरह चलना था कि आसमान का चांद भी देखता तो ये कहने पर मजबूर हो जाता कि काश मेरी भी कोई बहन होती। सूरज यार, मुझे जल्दी से बहन के पास ले चल। ओ यार बात तो सुन, जल्दी मुझे बता मेरी बहन कहाँ है, मेरा दिल बड़ा बेताब हो रहा है। सिस्टर, सिस्टर! चब्बो! सूरज, सूरज, ए, 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 ये है बहन। ये वो बहन है? हाँ, चब्बो, ये चांद है। चांद? बहन, ओ बहन, तेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है। यार मैं तेरे साथ फंसा हूँ। क्यों? तूने इसकी शादी सही नहीं की है? बिल्कुल, मैं अब अपनी बहन की शादी एक दफा फिर करूंगा। अरे पागल, बस बस, मेरी तसल्ली नहीं, मैं करूंगा। अरे पागल खाने, बहन का ब्याह सिर्फ एक बार होता है। अच्छा हाँ। तो फिर तेरी शादी 2 मरतबा करूंगा। अरे यार ना किया करो ना, तुम वो काम करो जो करने आयो। हाँ अच्छा, तूने याद करा दिया। अच्छा बहन, ये बताओ हमारे बहनोई जी कहाँ हैं? ऊपर है, उन्हें नीचे लाओ। भाईजान, बहनोई जी ऊपर आओ। बहनोई जी नीचे आओ। कहाँ हो? क्यों हो? चांद, बहनोई, ha 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 ha!
ओए बहन का नसीब किसके हाथ में पकड़ा दिया सालिम? वो कौन है? वो मेरा रकीब है। तेरा रकीब? हाँ सूरज, ये शादी नहीं साजिश है। फेरोई बनकर वो कमीना मुझसे चांदी के ख्वाब देखने का बदला लेना चाहता है। 10 लाख रुपया उसके मुतालबे का पहला तीर है। पहनोई होने का लाइसेंस हाथ में लेकर वो अपने मुतालबे के हर रोज नए तीर चलाएगा। बहने बसाने के लिए मुतालबे तो पूरे करने पड़ते हैं। अब मेरा मुतालबा ये कोठी है। साले ये कोठी दे मुझे। कहां से कोठी? इसकी हो तो देना। किसकी है ये कोठी? कौन है इसका मालिक? सुलेमान सेठ। ये कौन है? ये मैं बताता हूं। ये है झूठे रईस, भूखे नंगे फ्रॉडिये, टुकड़े टुकड़े के मोहताज। ये पराई कोठी की आड़ लेकर हमें हत्याने चले थे। बोलो मेरे घर तो क्यों बने थे झूठे रईस? इसलिए कि इस दुनिया में कुछ लोग सोना खाते हैं तो उनका सोना खत्म नहीं होता, और कुछ लोग दो लुक में खाते हैं तो उनकी रोटी खत्म हो जाती है। हमारे पेट में रोटी, बदन पे ढंग का कपड़ा और सर पर छत नहीं थी। हमने झूठे रईस बनकर 4 दिन चांदनी का मजा लिया है, और फिर अंधेरी रात हमारा मुकद्दर बन गई है। इस मजे की कीमत जानते हो क्या है? पहले हम इनके जाल में फंसे थे, अब ये मेरे जाल में फंसे हैं। इस जाल का हर फंदा मेरे गले में डालो, मगर तेरी बहन को कुछ न कहो। तेरी बहन का मुकद्दर है तलाक। ये जुल्म न करना। तुझे रब का वास्ता है, ये जुल्म न करना यार। मैं करूंगा। खुदा का वास्ता है, हमारी बहन पे ये जुल्म न करना। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं यार, उसको तलाक मत देना। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये देखो यार, तू ये जुल्म नहीं कर सकता। ये देखो, ये देखो, ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, खुदा का वास्ता है, हमारी बहन को तलाक ना दो। ना देना यार। अरे बकवास न करो, मैं तलाक जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। उठो रे उठो। माँ, माँ, माँ। क्यों रे, कभी जलील होकर भी बहू बेटियां बसी हैं? अगर मिन्नतें करें तो ये जवाई तबीयतों के असाई और जमीन के खुदा बन बैठते हैं। सुन लो फिरौन, तेरे हाथ में हमारी शरक पे चलाने के लिए तलाक की तलवार ही है ना। आज तक किसी मां ने अपनी बेटी के लिए तलाक नहीं मांगी, पर आज मैं मांगती हूं, मेरी बेटी को तलाक दे दो। दे तलाक, 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 दे तलाक। मां, मां, तलाक तो ये दे देगा, पर वो पैसा कौन देगा जो इन्होंने खाया है? है कोई, है कोई माई का लाल? ये नोट अपने हाथों से नहीं,
अपने मुंह से उठाकर यहां से तुम हिलाते निकल जाओ सेठो। झंडे खान? झंडे खान नहीं, सुलेमान सेठ। सेठ सुलेमान? मैंने नौकर बनकर तुम्हारी असलियत परखी थी। ये दुनिया तुमको फ्रॉड कहे, पर मैं कहूंगा फरिश्ते। तुम झूठे रईस नहीं, मेरे बेटे हो, चांद सूरज हो। तुमने मेरे लाइलाज मर्ज को शिफा दी, मेरी सोचों को नया रुख दिया। बर्बाद हो जाएं वो लोग जिनका दीन दुनिया और ईमान पैसा है। पैसा पैसा पैसा। ये पैसा छीन कर मिले, लूट कर मिले, कत्ल करके, किसी की औलाद उठा के, मस्जिद ठा के मिले या मंदिर गिरा के, ये हीरे मोती, ये पैसा यही इसी दुनिया में रह जाएंगे। वो कारून हो, फिरौन हो, शाह ईरान हो, तुम हो या मैं हूं, और दुनिया वालों, इकट्ठी की हुई दौलत बिखेर दो, तिजोरियों में कैद किया हुआ रुपया बांट दो, आजिर को उजरत, मजदूर को मजदूरी, और हकदार को उसका पूरा हक अदा कर दो, तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी। वाह वाह सेठ साहब वाह, कितनी अच्छी तकरीर की है तूने। अरे मुझ पर बड़ा असर हो गया है, इतने नए नए नोट है, अब इस नए काम की पहल तू कर। ये दौलत तो हमारे पास आ ही गई है, अब वो बाकी की दौलत निकाल जो तूने छुपा कर रखी है, नहीं तो एक एक को गोली मार दूंगा, मार दूंगा गोली। इसने तिजोरी भरनी थी और मैंने पेटी बयानी थी, अगर इस कमीने ने तुम्हारी बहन को तलाक दी तो मैं इसे भी जान से मार दूंगा। इसके लिए तो हम ही काफी हैं। मुझे माफ कर दो। अब कितनी जल्दी मान गया? उठ, जो माफी मांगनी है तो हमारी मां से चल के माफी मांग। मांग, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उठ रे, जवाई तो बेटों से भी महंगे होते हैं। अब्बा जी आप तो छुपर रुस्तम निकले। बाबू बीड़ी के पैकेट में से डैनियल का सील निकल आया। अच्छा बेटा, जो कुछ निकलना था वो तो निकल आया,
अब जरा अपनी अम्मा को भी बुला लो। अम्मा जी आओ। आप शर्मा कर इकट्ठी ना हो, आपसे इकट्ठे हुआ नहीं जाएगा।